हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको वाल कमांड के अंदर यहां पर लोकेशन लाइन के बारे में सिखाने जा रहा हूं कि हमारी लोकेशन लाइन का क्या यूज़ रहता है, और इसके यहां पर ये अलग अलग टाइप के बारे में आपको बताऊँगा कि ये वाल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन क्या होती है। ओके, और उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो लोकेशन लाइन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है वो होता है वॉल सेंटर लाइन का। तो वॉल सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ वॉल क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो इस वॉल की रेफरेंस लाइन है यहाँ पर, ये डैश लाइन, ये हमारी वॉल की सेंटर लाइन होती है। तो लोकेशन लाइन का यूज़ हम वॉल ड्रा करने के लिए करते हैं कि हमें वॉल कहाँ से ड्रा करनी है, कि वॉल उसके सेंटर से ड्रा करनी है या इनर फेस से या एक्सटीरियर फेस से। ओके, तो ये होगी हमारी वॉल सेंटर लाइन। अब नेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद एस्केप की दबाता हूँ एक बार सिर्फ, फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोर सेंटर लाइन, ये जो कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर है, इनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। अभी जैसे यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन के बाद हम लेते हैं यहाँ पर फिनिश फेस एक्सटीरियर। तो जब यहाँ पर ये ऑप्शन लेंगे तो जो हमारी लोकेशन लाइन है वो हमारी वॉल के एक्सटीरियर फेस के ऊपर ड्रा होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो डैश लाइन है ये हमारी लोकेशन लाइन है, ये वॉल के एक्सटीरियर फेस की तरफ शो हो रही है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, एस्केप की दबाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर की जगह फिनिश फेस इंटीरियर सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर वॉल ड्रा करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी वॉल की जो लोकेशन लाइन है वो अब की बार इंटीरियर फेस की तरफ शो हो रही है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर लोकेशन लाइन को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, एस्केप की दबाता हूँ। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कोर सेंटर लाइन, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये क्लिक कर लेता हूँ जैसे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो हमारी ये कोर सेंटर लाइन है वो वॉल के सेंटर में ही है। तो इनमें और इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, वो डिफरेंस आपको इसके अंदर विजिबल नहीं होगा। वो डिफरेंस शो करने के लिए मैं यहाँ पर जो वॉल की टाइप है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रिक्स ऑन CMU सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसका मैं ये दे देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो वॉल की लोकेशन लाइन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना कि बिल्कुल सेंटर में। तो ये किस लिए दिखाई दे रही है वो भी मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ फिर एस्केप की दबाता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा एस्केप की दबाएंगे, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं फाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर वॉल का टेक्सचर देख सकते हो कि वॉल के अंदर जो मटेरियल है उसका टेक्सचर हमें शो हो रहा है। अगर हमें इसको रियलिस्टिक में देखना है तो यहाँ पर रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, मगर अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे एक बाउंड्री में ये सॉलिड एज दिखाई दे रही है इसके। तो यहाँ पर हम इसको ऑफ कर लेंगे, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और शो एजेस के ऊपर अनटिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये जो बार की सॉलिड एज दिखाई दे रही थी ये हाइड हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर जो हमारी वॉल की कोर होती है दोस्तों वो होती है हमारी ये जो हमारी मेन वॉल होती है, उसके ऊपर यहाँ पर अलग अलग प्लास्टर वगैरह और ये टाइल लगी हुई होती है, मगर जो मेन वॉल होती है वो हमारी ये होती है जिसको हम यहाँ पर कोर बोलते हैं। और जब हम यहाँ पर वॉल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लोकेशन लाइन कोर सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो ये वॉल है ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे कोर है इसके सेंटर से ये लोकेशन लाइन शो हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लोकेशन लाइन है ये इस कोर वॉल के सेंटर में है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डैश लाइन शो कर रहा है ये हमारी कोर के बिल्कुल सेंटर में शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारी कोर सेंटर लाइन। तो अब यहाँ पर लोकेशन लाइन के अंदर जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन होंगे कोर एक्सटीरियर, कोर इंटीरियर, वो क्या होते हैं। तो कोर एक्सटीरियर लोकेशन लाइन तो हो जाएगी हमारी यहाँ पर ये, और कोर इंटीरियर लोकेशन लाइन हो जाएगी हमारी यहाँ पर ये। एस्केप की दबाता हूँ, अब यहाँ पर मैं कोर सेंटर लाइन की जगह कोर फेस एक्सटीरियर सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी लोकेशन लाइन है वो इस कोर के एक्सटीरियर फेस से शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं ये क्लिक कर देता हूँ, एस्केप की दबाता हूँ, अब दोबारा हम यहाँ पर लोकेशन लाइन कोर फेस इंटीरियर लेंगे और यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, तो अब की बार जो हमारी लोकेशन लाइन है वो इंटीरियर फेस के ऊपर ड्रा होगी कोर के। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये लोकेशन लाइन यूज़ करते हैं। तो इनका
बेसिकली यूज़ क्या होता है दोस्तों, इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अब एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक फ्लोर प्लान दिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे जो हमें किचन का एरिया दे रखा है वो 11 फीट इंटू में 8 फीट दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो हमारी ये वॉल है यहाँ पर, इस वॉल का जो इनर फेस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दे रखी है 11 फीट, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है हमें इन दोनों वॉल के अंदर की, वो दे रखी है हमें 8 फीट। तो मोस्टली क्या होता है जब हम यहाँ पर वॉल क्रिएट करते हैं, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर वॉल दोबारा लेता हूँ और यहाँ पर हम जेनरिक 6 इंच कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारी लोकेशन लाइन है वो वॉल सेंटर लाइन है। अब यहाँ पर वॉल ड्रा करता हूँ। फर्स्ट वॉल हमारी थी 11 फीट की, तो 11 फीट एंटर करता हूँ, और सेकंड जो वॉल थी हमारी वो थी हमारी 8 फीट की, 8 फीट एंटर करेंगे, और फिर दोबारा इस डायरेक्शन में 11 फीट एंटर करेंगे, और ऊपर की डायरेक्शन में अब हम 8 फीट एंटर कर देंगे। तो ये हमारी वॉल क्रिएट हो गई है। जब हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो हमारी वॉल है, ये हमारी वॉल की जो लोकेशन लाइन थी वो वॉल सेंटर लाइन थी, तो ये वॉल हमारी सेंटर लाइन के थ्रू ड्रा हुई है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी 11 फीट है, ना कि जो हमारा यहाँ पर ये वॉल का इनर फेस है इसकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एनोटेट टैब के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर मैं लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो इनर फेस है इसका और इसका जो इनर फेस है इससे डिस्टेंस 10 फीट 6 इंच है। ओके, एस्केप की दबाता हूँ मैं दोबारा। यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब के अंदर चलेंगे, वॉल कमांड लेंगे। अब की बार मैं लोकेशन लाइन लेता हूँ, फिनिश फेस इंटीरियर। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा मैं 11 फीट की डिस्टेंस देता हूँ, नीचे की तरफ हम 8 फीट की डिस्टेंस देंगे, फिर इस डायरेक्शन में हम 11 फीट और अब ऊपर की डायरेक्शन में हम 8 फीट, एंटर, फिर एस्केप की और दोबारा एस्केप की दबा लेंगे। एनोटेट टैब के अंदर चलेंगे, लीनियर डायमेंशन के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन दोनों वॉल की जो इनर फेस से डिस्टेंस है वो 11 फीट आ रही है, जो कि हमें चाहिए थी। यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमें चाहिए थी 8 फीट। ओके, तो इस तरह से हम लोकेशन लाइन का यूज़ करते हैं दोस्तों। दोबारा आर्किटेक्चर टैब के अंदर चलते हैं, वॉल सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे अगर हमें कोई डिस्टेंस दे रखी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, तो हम उस केस में लोकेशन लाइन जो है वो फेस एक्सटीरियर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो, जैसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें 20 फीट, तो यहाँ पर मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 20 फीट एंटर कर देता हूँ और फिर एस्केप की। तो अब जब हम इसको मेजर करेंगे एनोटेट टैब के ऊपर जाके लीनियर डायमेंशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को, तो ये आ गया हमारा 20 फीट, जो कि हमने इस वॉल की लेंथ दी थी। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर लोकेशन लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग 6 टाइप की लोकेशन लाइन थी हमारी, वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन था वो है जॉइंट स्टेटस, अलाउ और डिसअलाउ, तो ये हम अलाउ ही रहने देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर, टाटा बाय बाय।